हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ से हम एक एडवर्टाइजिंग जो सब्जेक्ट है हमारा बीकॉम बीबीए व्हाटएवर, तो यहाँ पे हम एक सीरीज फुल देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल ऑफ कंटेंट एंड विद हो सकते हैं बिल्कुल क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम पहले समझते हैं व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग है क्या। आगे जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस क्रिएट होते चलेंगे, जैसे जैसे हमारे हो सकते हैं टॉपिक्स आते चलेंगे, हम कवर करते चलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक क्वेश्चन बन करके आता है वो है व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग है क्या। हिंदी मीनिंग यदि हम समझें इसका तो एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन, ठीक है। और विज्ञापन भी आप यदि ना समझ पा रहे हो तो एड, बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एड, दैट बोलते हैं एड आ गए, थोड़ी देर बाद चालू होगा, एड आ गए, डेट मीन्स एडवर्टाइजिंग। अब जो एडवर्टाइजिंग का यही मतलब है कि जो बीच में किसी प्रोडक्ट के बारे में हमको बताने के लिए आते हैं, जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब क्या है एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, ठीक ना। तो ये एडवर्टाइजिंग का है। तो अभी एडवर्टाइजिंग है क्या, एक तो देखो हमें वैसे समझ में आ गया, बट हम क्या करेंगे एक डेफिनेशन टाइप में हमको भी पढ़ना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग है क्या, ठीक है। तो देखिए एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, एडवर्टाइजिंग इज एन इफिशियंट एंड इफेक्टिव टेक्निक टू प्रमोट गुड्स, सर्विस एंड आइडिया। एडवर्टाइजिंग है, विज्ञापन है, एक इफिशियंट और एक इफेक्टिव टेक्निक है। इफिशियंट और इफेक्टिव में डिफरेंस क्या है ये भी होता है, ठीक है। एक समय बचाता है, एक पैसा बचाता है, ठीक है ना। तो इफिशियंट और एक इफेक्टिव टेक्निक है किसके लिए, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि गुड्स के बारे में लोगों को पता चले, बढ़ावा दे सकें गुड्स को, सर्विसेज को भी एंड उनके आइडियाज को भी, ठीक है ना। आगे इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो एडवर्टाइजिंग होता है एक पेड फॉर्म है, क्योंकि इसके लिए हमको पेड करना पड़ता है पैसा, ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, मीन्स डायरेक्ट इससे इंटरेक्ट नहीं हुआ जाता है। जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहा है सलमान खान, वो आपके घर पे आकर के ये नहीं बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है देखिए आप ये खरीदिए इसमें ये है। शाहरुख खान, विराट कोहली, जो भी है वॉट एवर, आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं करते वो, ठीक है ना। ये नॉन पर्सनल है, इसे मतलब ये एक बार एक जगह पे बता दिया गया तो ऑल द जो पब्लिक है उनके तक ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा लोगों तक, ठीक है। तो एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। बट कम्युनिकेशन का एक जरिया है, इसको वन वे प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको इसका फीडबैक देना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता। देखिए जरूरी है उनके लिए, बट कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं ऑन द स्पॉट तो वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, उधर से एक तरफ से कर दिया जाता है, हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना नॉन पर्सनल है और एक पेड फॉर्म में है, एमसीक्यू आपको बन सकता है। देखिए मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ के तरीके से बता रहा हूँ, एमसीक्यू बेस्ड पर भी बता रहा हूँ और वट एवर जैसे भी आए, ठीक है। तो एक पेड फॉर्म भी है और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर पोटेंशियल कंज्यूमर। बिजनेस इन्फॉर्मेशन मतलब लायका कि बिजनेस के बारे में बताना और प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है अवेलेबल हो जाता है उसमें किनको, पोटेंशियल कंज्यूमर को। पोटेंशियल कंज्यूमर का मतलब होता है जिन कंज्यूमरों को उनकी आवश्यकता होती है, जो कंज्यूमर उसमें क्या है थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन लोगों के लिए क्या है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाता है उनको बिजनेस के बारे में थ्रू द एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको बिल्कुल इफेक्टिव डेफिनेशन, एक लेमन लैंग्वेज में है, ठीक है। यहाँ से याद रखिए ये डेफिनेशन कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है, आप डेफिनेशन बना भी सकते हैं अपना, ठीक है। अब ये समझ लिया, आप तोड़ मोड़ करके आप जो भी वट एवर एक वो है वो बना सकते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन और समझिए जो कि बिल्कुल लीगल है, लीगल मतलब बोल सकते हैं हम, ये जो फ्लिप कॉटलर थे मार्केटिंग वाले, उन्होंने ये चीज़ दिया था, ठीक है ना। तो देखिए समझते हैं, फ्लिप कॉटलर जी ने क्या कहा था कि एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म, उन्होंने भी यही कहा था कि एडवर्टाइजिंग है एक पेड फॉर्म है, ठीक है। ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब उन्होंने ही दी है, तो ये आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जिनके द्वारा कही गई है उनको डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते। तो एडवर्टाइजिंग इज एन पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, देखिए वहाँ कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन बात एक ही है, तो ये भी एक पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे भी यही कहा क्या है, प्रमोशन करना, वहाँ प्रमोट था या प्रमोशन है, प्रमोशन करना किसको, आइडिया को, गुड्स को और सर्विसेज को, बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जो आइडेंटिफाइड करते हैं, जो उनको पहचानते हैं, उनके बारे में बताना, स्पॉन्सर करना प्रोडक्ट के बारे में, ये कहा था फ्लिप कॉटलर ने, ठीक है। और
एडवर्टाइजिंग इज अ पेड एंड मास मीडिएटेड अटेम्प्ट टू द परस्यूट्स। देखिए एडवर्टाइजिंग क्या है, एक पेड फॉर्म है और मास मीडिएटेड है। मास मीडिएटेड मतलब कि मास मतलब बहुत लोगों तक एक पहुंचने वाला क्या है, एक जरिया है, एक तरीके से एक मीडियम है, ठीक है ना। सेल्समैनशिप इन प्रिंट, जो सेल्समैनशिप किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, प्रिंट फॉर्म में भी किया जाता है। प्रिंट फॉर्म मतलब समझ रहे हैं आप कि जो हो सकते हैं जो अखबार आते हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर्स, उनके द्वारा। सब्स्टिट्यूट फॉर अ ह्यूमन सेल्समैन, देखिए ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देते हैं, जो ह्यूमन सेल्समैन होते हैं उनके लिए भी एक सब्स्टिट्यूट्स होता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करना, प्रोडक्ट भी बहुत सारे होते हैं तो सब्स्टिट्यूट होता है उनके पास, ठीक है ना। तो ये था आपका बेसिक मीनिंग व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। आप वो वाला भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो सरल लगे आपको, और ये एक बोल सकते हैं मार्केटर के द्वारा दिया गया है, ऑथेंटिक कोटलर के द्वारा फिलिप्स, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनलों को, आपको वीडियोज़ मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। थैंक यू।